जनपद बदायूं के ब्लॉक मुख्यालयों पर चयनित टास्क फोर्स के लिए प्रशिक्षण 16 जनवरी से दिया जा रहा है। ब्लॉक मुख्यालय वजीरगंज पर स्थित सभागार में पंचायती राज विभाग की देखरेख में प्रशिक्षण दिया गया। वजीरगंज ब्लॉक पर प्रशिक्षण के दौरान सहायक विकास अधिकारी पंचायत रंजीत सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों का विकास ग्राम पंचायत विकास योजना से न केवल गाँव का समग्र विकास होगा बल्कि सक्रिय जनभागीदारी से गरीबों व उपेक्षित वर्गों का समुचित विकास सुनिश्चित होगा। प्रशिक्षक गौतम कुमार, अरुण शेखर व उमा रानी ने संयुक्त रूप से बताया कि गांव सभा के सम्मानित 5 लोगों का चयन कर टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो गांव के विकास के बारे में योजना बनाते हैं। बदायूं से गौतम कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद में ओवरलोड वाहनों की भरमार है। सिराथू तहसील से होकर जाता हुआ ओवरलोड ट्रैक्टर जो कि थाना सैनी के सामने से गुजरता है लेकिन एसओ सैनी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि अभी कुछ दिन पहले ही चायल विधायक संजय गुप्ता जी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर कब तक इन बालू माफियाओं पर कार्रवाई होगी? कौशाम्बी से आरपी यादव की रिपोर्ट।